आज हम बनाएंगे आलू भिंडी फ्राई। अगर आपने आलू और भिंडी के कॉम्बिनेशन को कभी ट्राई नहीं किया है तो एक बार आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम फ्रेश भिंडी ली है। भिंडी को अच्छे से धोकर जब इसका पानी ड्राई हो गया तो सूती कपड़े से पोंछ कर इसको 1 इंच के टुकड़ों में काट लिया है। आप अपनी पसंद से कैसे भी इसे काट सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 आलू लिए हैं। आलू को छीलकर वॉश करने के बाद इसको भी मैंने लंबा काट लिया है। अब एक पैन में 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए फिर इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे। आलू को हम 3-4 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे। आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और इनके ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर आ जाए। तो आलू और भिंडी को आप इस तरीके से फ्राई करके बनाएंगे तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैं कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं, आलू हमारे थोड़े गल चुके हैं। तो अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बचे हुए तेल में हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। भिंडी को हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। भिंडी का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो ऐसे आप इसे 3-4 बार अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे देखिए 2 मिनट के बाद भिंडी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो 1 मिनट तक मैं इसे और फ्राई कर लेती हूँ। तो भिंडी हमारी फ्राई हो गई है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब पैन में 2 चम्मच हम तेल डाल देंगे। तेल को अच्छा गर्म होने के बाद इसमें हम 2 पिंच हींग डाल देंगे। इसके बाद 1 चम्मच भर के इसमें जीरा डाल देंगे। ये दोनों को फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको धोकर थोड़ा लंबा काट लिया है। प्याज को हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है। इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। देखिए प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। जब प्याज ऐसे हो जाए फिर इसमें फ्राई किए हुए भिंडी और आलू दोनों एक साथ डाल देंगे। बस इन्हें हम मिक्स कर देंगे और आधा से 1 मिनट तक प्याज के साथ भून लेंगे। स्लो फ्लेम पे मैंने भिंडी को 1 मिनट तक प्याज के साथ भून लिया है। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालें और यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। अब डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। बस यही 3 से 4 मसाले हम इस सब्जी में डालेंगे। इन्हें हल्के हाथ से मिला देंगे। इस सब्जी को आप थोड़ा सा स्पाइसी बनाएं तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होती है। सब्जी को मसालों के साथ मिला के हम इसे स्लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट तक बनने देते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्जी को थोड़ा सा ढक देती हूँ 1 मिनट के लिए। अब ढक्कन हटा लेते हैं और सब्जी को चेक कर लेते हैं। गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बार मिला देंगे। तो देखिए हमारी आलू भिंडी फ्राई बनके तैयार है। तो आप इसे पराठे के साथ और रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो लीजिए हमारी आलू भिंडी फ्राई तैयार है। मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो अगर आपने कभी आलू और भिंडी के कॉम्बिनेशन को ट्राई नहीं किया है तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।